Warm welcome to all on this new session of Judicious. Topic at hand which we are going to discuss today is discharge of contract. सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखते हैं. सिंपली पुट, अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज हु मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, दे कम टू एन एंड. सो विद द एंड ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप वी से दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज और इट इज टर्मिनेटेड. इट कैन ऑल्सो बी पुट इन द मैटर इन अ मैनर दैट ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस of the promisor and promisee, they also come to an end once the contract is said to be discharged. Now, there are several ways through which a contract can be discharged or terminated. First is discharge by performance. Next, discharge by mutual consent. Third is discharge by impossibility of performance. Point number 4 says discharge by lapse of time, and the last is discharge by breach of contract. So discharge by performance means when both the parties have performed their part under the contract, then the contract is said to be over because it has been completed. So that is discharge by performance. Next is discharge by mutual consent. When two parties, they have the power to create a contract with mutual consent and free consent. So the same thing they can do, and they can also discharge the contract by mutual consent. ठीक है, अगला है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का अब पॉसिबिलिटी ही नहीं रही है किसी चीज की वजह से, तो इसीलिए अब कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर आएगा. नेक्स्ट इज ऑफर दिया, उसका एक लिमिटेड टाइम था उसको एक्सेप्ट करने का, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का, वो टाइम लैप्स हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज माना जाएगा. और लास्ट है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच का वर्ड मतलब का वर्ड है यहाँ पर by breaking a contract. So this is a serious offense. और यही वो चीज़ है जिसमें कि जो है एक पार्टी ने धोखा दिया है दूसरी पार्टी को और कॉन्ट्रैक्ट बनाकर बाद में तोड़ दिया. राइट, इनको डिस्कस करेंगे एक एक कर इन डिटेल. बट बिफोर देन दैट, बिफोर मूविंग टू दैट, एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लीगल रेमेडी यानी कि केस फाइल करने की ताकत और जुडिशियस को अप्रोच करने का ऑप्शन कौन से सिचुएशंस में इन पांचों में से मिलेगा. सो ऑब्वियस है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता केस फाइलिंग का. म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा है, अगेन कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी. कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना अब इम्पॉसिबल हो गया, तो कोई वजह नहीं है आपस में दूसरे के ऊपर केस फाइल करने की. और अगर ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करा गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं करा गया ड्यू टाइम के अंदर, तो भी हम यहां पर केस फाइल नहीं कर सकते. यस, बट इन द लास्ट ऑप्शन वेयर देयर इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू फाइल अ केस एंड द लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. नाउ these can be of two categories, actual performance or attempted performance. Actual performance is when the promisor usne apni sari obligation puri kar di hai contract ki terms or conditions ke hisab se, to hum ye bolenge ki usne actual mein contract ko perform kar diya. Ek baar usne contract ki performance kar di to uski sari ab jo liabilities thi, obligations thi, wo sab ab end ho gayi hain. Next is attempted performance. Yahan par jo promisor hai wo bar bar he is trying to perform his part of the contract, but किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा यहां पर, क्योंकि प्रॉमिसी उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा. इस सिचुएशन में अगर प्रॉमिसी प्रॉमिसर की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फॉर एनी रीजन, तो उससे प्रॉमिसर को आप ब्लेम नहीं करेंगे कि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा है, बिकॉज उसने तो बार बार अटेम्प्ट यहां पर करा है और इसी वजह से प्रॉमिसर की कोई भी जो भी राइट्स थी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो वहां पर इनवैलिड नहीं मानी जाएंगी, बिकॉज एटलीस्ट ही इज ट्राइंग. आपने मोबाइल फोन परचेज करा, पैसे आप उस टाइम उसको देना चाह रहे थे शॉपकीपर को, उस टाइम नहीं दे पाए, शॉपकीपर ने मना कर दिया कि बाद में दे जाना, अभी कैश नहीं है तो, या एटीएम खराब है तो, या कार्ड मशीन स्वाइप वाली दैट इज नॉट वर्किंग. आप नेक्स्ट डे जाते हैं, अगेन वो नहीं मिल रहा, उसके नेक्स्ट डे जाते हैं वो पैसे आप दिन वापस उसको पे करने के लिए, मगर वो आपको विजिबल अपॉइंटमेंट नहीं है वो शॉप पर, किसी वजह से शॉप क्लोज्ड है और इज आउट ऑफ टाउन. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मोबाइल फोन के ओनर नहीं रहे, यू आर ओरिजिनली द ओनर, बिकॉज यू आर ट्राइंग एट योर लेवल बेस्ट टाइम एंड अगेन टू परफॉर्म योर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दिस इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस.
नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट. इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग, जब दो पार्टीज आपस में फ्री कंसेंट म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं तो वो उनको उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकते हैं. म्यूचुअल कंसेंट से अगर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है उसके तीन मेथड्स हैं, नोवेशन, रेसेशन जिसको रेमिशन भी बोलते हैं, और थर्ड इज ऑल्टरेशन. नोवेशन का मतलब है पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटाकर नया कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह पर बना देना. दिस इज नोवेशन, म्यूचुअल कंसेंट से होगा ये भी. सेकंड पॉइंट है रेसेशन या रेमिशन, यानी कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, ये भी कर सकते हैं. और लास्ट है ऑल्टरेशन, दैट इज पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ही हम चलाएंगे मगर उसको मॉडिफाई कर उसको यूज कर रहे हैं. नया कॉन्ट्रैक्ट यहां पर भी नहीं बनाया गया, सिर्फ उसका मॉडिफिकेशन हुआ. नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी सिचुएशन अब आ गई है जिसके चलते उस कॉन्ट्रैक्ट को अब परफॉर्म करना, फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो गया है. बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. फॉर इंस्टेंस, फर्स्ट इज कोई लॉ के अंदर चेंज आ गया जो हमने जिस एक्सपेक्टेड था ही नहीं, कभी हमने सोचा ही नहीं था. वॉर डिक्लेयर हो जाती है कंट्रीज के बीच में तो उनके ट्रेड खत्म हो जाते हैं, आपस का बिजनेस ओवर हो जाएगा. या फिर किसी वजह से सब्जेक्ट मैटर का ही डिस्ट्रक्शन हो जाए तो भी इसको बोलेंगे हम डिस्चार्ज ऑफ बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. टाइम के लैप्स होने के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम होना जरूरी है, कई कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, ठीक है, मगर अगर ये टाइम जो स्पेसिफाइड नहीं है देन इन सच अ सिचुएशन हम एक देखेंगे कि किस रीजनेबल टाइम में हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं. राइट, दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जिसके बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. जैसे ही टाइम कॉन्ट्रैक्ट का लैप्स हुआ उसको परफॉर्म करने का, कॉन्ट्रैक्ट भी लैप्स माना जाएगा विद द लैप्स ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली. नाउ दिस इज द लास्ट वन, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने बताया था कि लीगल रेमेडी भी अवेलेबल होगी. डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले ब्रीच का मतलब है ब्रेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाकर आप उसे पूरा करने से पहले ही तोड़ रहे हैं. ये एक्चुअल ब्रीच भी हो सकता है और एंटिसिपेटरी भी. एक्चुअल इज टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के टाइम पर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बारी आई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया पार्टी ने, इसको बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच. सेकंड इज बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि एडवांस में ही हमने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने का मन बना लिया और ये बात हमने डिक्लेयर कर दी है. सो ये दो ब्रीच हैं, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच. नाउ एक बार अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, दूसरे को धोखा दे दिया, तो जिस जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ ये धोखा हुआ उसके पास क्या लीगल रेमेडीज और क्या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. नाउ रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अग्रीव्ड पार्टी ऑल टुगेदर ये बोल दे कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमें बताया आप हमें धोखा दे रहे हैं या दे चुके हैं तो इसलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे पूरा नहीं करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे. फर्स्ट इज रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा आ गया सूट फॉर क्वांटम मेरिट, यानी कि जितना हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना पार्ट निभाया, जितना हमने काम करा, सिर्फ हमें उसका पैसा दे दीजिए, बाकी हम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन. जितना हमने काम करा है उसके हिसाब से हमें आप पेमेंट कर दें, ऐसा क्लेम अराइज कर सकते हैं. दो सिचुएशंस में ये क्लेम अराइज हो सकता है, पहला जब एग्रीमेंट अब पता चले कि वॉइड हो चुका है, और दूसरा आपकी कोई भी इंटेंशन चैरिटी की नहीं थी वहां पर, यानी कि ग्रेचुटी की आपका कोई, अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रेचुटस है यानी कि चैरिटेबल है तो उसमें तो आप ऑब्वियसली यू कैन नॉट क्लेम, क्योंकि जब आप करी चैरिटी रहे हैं तो उसमें क्लेम का सवाल ही नहीं उठता. तो ये दो कंडीशंस नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से तभी आप ये क्लेम फाइल कर पाएंगे सूट फॉर क्वांटम मेरिट. थर्ड इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को करने के लिए आप कोर्ट के इंस्ट्रक्शन देंगे, ला सकते हैं आप ये ऑर्डर अपने फेवर में. रियल एस्टेट फॉर एग्जांपल उसको यूनिक माना जाता है, और इस सिचुएशन में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मकान की खरीद फरोख्त के बारे में बात कर रहे थे, सेल परचेज के बारे में, और अब सामने वाली पार्टी एक बार यस बोलकर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर अब रिफ्यूज कर रही है या बोल रही है कि वो मकान मत लीजिए दूसरा ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है. आप चाहें तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट के थ्रू एनफोर्स करा सकते हैं, और अब सामने वाली पार्टी को वही ओरिजिनल जिस मकान के बारे में डीलिंग हुई थी, जिस हाउस को सेल करने की बात थी, वही वो आपको सेल करेगा, मजबूरी हो जाएगी उसकी. एंड द लास्ट इज लास्ट अंडर दिस केसेस इज सूट फॉर इंजंक्शन, यानी कि आप ये कोर्ट से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स ला सकते हैं अगेंस्ट द अदर पार्टी कि वो
कोई नया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना बनाए जिससे आपका प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट हार्म हो जाए। कई बार करते हैं ना, मूवीज में भी देखा जाता है कि अगर आप एक या कोई एक एक्टर प्रोड्यूसर एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, तो उस टाइम वो किसी और से काम नहीं कर सकते, ना वो प्रोड्यूसर किसी और एक्टर के साथ, ना वो एक्टर किसी और प्रोड्यूसर के साथ, बिकॉज दे आर टाइट। अगर कोई ऐसा तोड़ता है तो अदर पार्टी कैन गो एंड गेट अ सूट फॉर इंजेक्शन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। इसके अलावा सर्टेन डैमेजेस के लिए भी हम केस फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो नॉर्मल एक्चुअल में जो नुकसान हुआ उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। स्पेशल डैमेजेस में ऑर्डिनरी डैमेजेस इंक्लूड होंगे प्लस ऑल दोज एक्सपेंसेस जो आपके उस केस फाइल करने की वजह से, जो सारे फाइनेंशियल लॉसेज हुए, एडवोकेट का खर्चा मान लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन, एनीथिंग एल्स, राइट। मगर वो क्वांटिफाइबल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। विंडिक्टिव यानी कि इनको बोलते हैं एग्जेम्पलरी डैमेजेस, दो केसेस में दिए जाते हैं। इसमें बेसिकली कोर्ट एग्जाम्पल सेट करना चाहती है इन द फ्रंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी दैट इफ यू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी देन हम आपको हार्शेस्ट पनिशमेंट यहाँ पर देंगे। दो केसेस में जनरली देखा जाता है, किसी को शादी का वादा कर उसको तोड़ देना, यानी कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, उसमें भी कोर्ट एग्जेम्पलरी डैमेजेस इशू कर सकती है, का ऑर्डर दे सकती है। या फिर अगर कोई बैंकर गलत तरीके से चेक, कस्टमर के चेक को डिसऑनर कर दे, यानी कि अकाउंट में बैलेंस भी है, एवरीथिंग इज फाइन, सिग्नेचर सब कुछ प्रॉपर है, फिर भी अगर बैंकर ऐसे कस्टमर के चेक को डिसऑनर करता है, तो उससे कस्टमर की, जो बिजनेसमैन है, उसकी इमेज पर बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, बहुत ज़्यादा उसका बिजनेस वर्ल्ड में उसकी गुडविल विल बी डैमेज्ड। तो इस केस को भी कोर्ट बहुत सीरियसली लेता है और वो एग्जेम्पलरी डैमेजेस यहाँ पर क्लेम करते हैं। लास्ट इज नॉमिनल डैमेजेस, कोर्ट को ही पता है एक्चुअल में कोई रियल डैमेज नहीं हुआ है एग्रीमेंट पार्टी को, फिर भी केस फाइल कर रहे हैं, तो वो एक सिंबॉलिक कंपनसेशन दे देंगे उसको कि हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया मगर डैमेज ज्यादा नहीं हुआ है, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, तो आप एक नॉमिनल डैमेजेस उसको अवॉर्ड कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक इन दिस सेशन इज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कर सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म्ड बाय पांच लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोमिसर खुद, उसका एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव उसका, कोई थर्ड पर्सन या फिर जॉइंट प्रोमिसर्स। लुकिंग एट द फर्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसर, अगर यहां पर पार्टीज की इंटेंशन ही यह है कि प्रोमिस को पूरा सिर्फ प्रोमिसर खुद करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में इट इज मैंडेटरी कि वो प्रोमिसर को ही वो काम कॉन्ट्रैक्ट का पूरा करना पड़ेगा, सेक्शन 14 में मेंशनड है। हाउएवर अगर एक और सिचुएशन है जहां पर प्रोमिसर ही कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है, अगर कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है प्रोमिसर की, कोई डॉक्टर है, पेंटर है, सिंगर है, जहां पर जितनी भी पर्सनल अगर कोई स्किल्स इन्वॉल्व है, तो उसके बिहाफ पर वो कॉन्ट्रैक्ट कोई और पूरा नहीं कर सकता, उस प्रोमिसर को ही वो चीज पूरी करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंट, जहां पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है और कोई ऐसी पर्सनल डिलीजेंस या पर्सनल कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो प्रोमिसर का एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है, ये भी सेक्शन 14 में मेंशन्ड है। किसी को पैसे प्रोवाइड करने हैं, पैसे जाके बस हैंड ओवर करने हैं, कोई पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं है, तो जो प्रोमिसर है वो अपने एजेंट को भी, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी ये काम करवा सकता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे डिफाइन करा गया है कि कोई प्रोमिसर है, उसकी अब डेथ हो गई है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आती है कि आप उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसके थ्रू करे गए कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करें। मगर उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड होती है। किस लिमिट तक उनकी लाइबिलिटी होती है? उनकी लाइबिलिटी होती है उस लिमिट तक, लिमिटेड रहती है जिस अमाउंट तक की या जिस लिमिट तक की उनको प्रॉपर्टी मिली उस डिसीज्ड पर्सन के जाने के बाद। मगर ये कंडीशन पर्सनल स्किल्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता जो प्रोमिसर की पर्सनल स्किल्स के ऊपर बेस्ड था। थर्ड पर्सन जो कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं। पैसे देने हैं दो पार्टीज में, आपस में कुछ पैसों का लेन देन है और एक थर्ड पर्सन बोलता है कि चलिए मैं ये पेमेंट कर देता हूं, और अगर प्रोमिसी ने ऐसी परफॉर्मेंस उन पैसों को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो दोबारा ओरिजिनल प्रोमिसर से वो पैसे क्लेम नहीं कर सकता। सो थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो यू नो परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच इज मेंशन्ड इन सेक्शन 41।
And last is performance of contract by joint promisers. Joint on several contracts रहते हैं यहाँ पर, अगर multiple promises करे जा रहे हैं single performance के लिए, दो या दो से ज्यादा party promise कर रहे हैं एक same promise ही को कि हम आपको एक specific performance करेंगे, ठीक है, तो वो jointly भी liable है, individually भी liable है, और jointly और individually दोनों तरीके से भी liable है। देखिए कैसे, अगर तीन promiser ने एक single promise करा है किसी पार्टी को कि टू पे $500 एज एन एग्जांपल लेते हैं, तो इसका मतलब अब ये हो गया कि यहाँ पर हम ये मानेंगे कि तीन सेपरेट प्रोमिसेज हैं, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर $500 देने की बात करी जा रही है। बट थोड़ा इसमें जो समझने वाली बात यह है कि अमाउंट टोटल 500 ही मिलेगा उसको, राइट। अब वो तीनों एक साथ एज अ यूनिट उसे पे करें या इंडिविजुअली पे करें, डजंट मैटर, तीन में से एक की डेथ हो गई है बाकी दो बचे तो भी अमाउंट 500 दिया जाएगा, दूसरे में से सेकंड वाला अनसाउंड माइंड का हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, सिंगल पार्ट प्रॉमिसर बचा तो भी वो $500 ही देगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉमिस जो है वो उस जो अमाउंट का है वो फिक्स रहेगा, चाहे वो इंडिविजुअल एक पार्टी पे करे या जॉइंटली, राइट। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टू दिस सेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो तीन चीजें हमने यहाँ पर देख ली, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तरीके देख लिए, फिर लीगल रेमेडी कौन से ऑप्शन में अवेलेबल होती है वो देखा, लीगल रेमेडी क्या हो सकती हैं वो देखा, और लास्ट में हमने कंक्लूड करा कि कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। सो दैट इज इट फॉर द डे सेशन, होप यू गॉट यू नो अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट्स ऑल अबाउट। कोई क्वेश्चंस या डाउट क्वेरी हैं सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। दैट इज इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।